हेलो बडीज, क्या हाल है, क्या हाल है। माय नेम इज शिवांग राजपाल एंड आई एम योर होस्ट एंड यू आर वाचिंग स्नीकर्स टीवी। अब ये पहला वीडियो है हमारे चैनल का, तो थोड़ी सी आपको डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ना, ये जो चैनल है ये कोई ऑर्डिनरी रिव्यू चैनल नहीं है स्नीकर्स का। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी गो टू पीपल हु हैव कलेक्शन ऑफ स्नीकर्स एंड व्हाट दे फील अबाउट देयर स्नीकर्स। हम बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं नई नई जगह जाके, नए नए लोगों से बात करके। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। Then you will watch it and you will love it. You tell us कि आपको कौन सा sneaker अच्छा लग रहा है, आपके क्या comments हैं, आपको क्या feel होता है, what are your thoughts about buying sneakers and you know this whole trend and what is going on with the sneaker thing right now. तो आपके हम comments जाना बहुत बहुत interested हैं उस चीज़ के लिए, तो please हमें बताइएगा। Okay, so there's our friend. उसके पास एक बहुत बहुत बढ़िया collection है sneakers का and he has got some really really good kicks. तो हम एक्चुअली वी कन्विंस हिम कि हम एक्चुअली एक पॉडकास्ट एक वीडियो करना चाहते हैं आपके साथ। तो प्लीज़ हमको बताओ कि कौन से स्नीकर्स हैं, यू वांट टू सी देम एंड कैसे लगते हैं वो, क्या हैं, कितने के हैं, ऑल द डिटेल्स एंड एवरीथिंग। सो वी जस्ट गो टू हिम एंड आस्क हिम कि क्या क्या है उसके पास एंड देखते हैं क्या खजाना छुपा कर रखा है उसने। हेलो, चलो आ जाओ अंदर, हम तुम्हारा कलेक्शन जो है वो देखने आए, तुम्हारे जो ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे पास कलेक्टेड। वेलकम वेलकम। थैंक यू दैट वाज इट। हां, नाइस होम, नाइस होम, रियली गुड ब्रो। यार सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर आइंग दिस। हम बहुत एक्साइटेड हैं, वी आर टू एक्साइटेड टू सी योर कलेक्शन एंड पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव गॉट टू नो दैट यू हैव अ वेरी 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 स्पेशल एंड अ रेयर शू व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज एट द एंड। दैट्स द ब्रह्मास्त्र ऑफ आवर वीडियो बेसिकली। तो यार आई जस्ट वॉन्ट टू नो, लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्ट इन यू नो बाइंग स्नीकर्स और व्हिच वॉज द फर्स्ट स्नीकर यू सॉ एंड यू वर लाइक ब्रो मुझे I want to get these babies. So the scene started when I was a 16 year old basic Indian household से आया। हाँ। And dad को चीज़ बोली यार ये इतने की चाहिए 16,000-15,000। हाँ। Dad बोलते क्या बोल रहा है, ये जूते होते ये सब नहीं लिया जाते। And then you know the day he said that कि you buy it yourself, you earn for yourself and you get it. Okay. So I started, you know, I was in my gym and I was doing some back curls and everything I was doing. Okay. I just saw a notification on Nike and I just got that shoe, you know. Yeah. It came all the way from Singapore and then I just got it. And a friend of mine just suggested that, you know, this Jordan can be sold for a higher price, more than the MRP for what I had got it. Correct. So I reached out to a seller, buyer. On the Instagram page. Okay. And they were like, yeah, we'll offer you 12K. So first selling was on Instagram page? Yeah, it was on an Instagram page. Okay. Right. Okay. All this started, ek pair liya, flip kiya, do liye, flip kiya. Then I just showed my dad ki, you know, there is something you can invest in me. He has completed 10th and he's making money out of sneakers, bro. Matlab, dekho, ye hota hai. Tum log se sochte ho, joote, are joote nahi hai, bro. This is some real shit. सही है। तो ये पैसे किस चीज़ के हैं और इसके पास जो कलेक्शन है वो आज हम देखेंगे एंड लेट्स जस्ट गो टू दैट रूम विच विल लुक लाइक अ शॉपिंग, इट लुक लाइक अ स्टोर टू यू बट इट्स नॉट, इट्स हिज रूम विच लुक्स लाइक अ स्टोर जिसमें इतने सारे शूज हैं। मतलब वो जो स्नीकर हेड्स हैं ना उनके लिए तो ऑर्गेजम है वो रूम। सो ब्रो फाइनली लेट्स गो टू योर रूम विच लुक्स लाइक अ शॉपिंग स्टोर, इट एक्चुअली डज। आपको लगेगा कि इतने सारे शूज हैव आई कम टू द स्टोर और समथिंग बट इज हिज रूम। सो लेट्स जस्ट गो एंड सी व्हाट कलेक्शन ही हैज। चलो लेट्स कम। ये आई एम एक्साइटेड, लेट्स गो फाइनली। अभी फाइनली So I've arranged all my personal collection here for you. Oye, oye. Arrange kar rakha. Aisa laga sneakers are calling me. They're on bed and they're like, come to me. Right. Oh wow. Wow. Bahut sare wow. So to start with, abhi bata idhar se bata. Let's start with Jordans. All right, we'll get to the Jordans. Which is your favorite pair? Let's start with that. So, what of this goes the Off-White Jordan 5. Okay. Iske naam mein अपने को समझ में आ जाएगा। हाँ, ऑफ वाइट है, बहुत ब्रांडेड पेयर है। ओके, एंड दीज इजीली गो फॉर 60,000-70,000 रुपीस। ओके, दिस इज लाइक कोलैबोरेशन बिटवीन, दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन जॉर्डन्स एंड अपना ऑफ वाइट। अच्छा, सो यस Jordans and Off-White. Off-White, right. And this is the tag of the Off-White. Wow. And these are the Jordan 1 highs.
तो सब लोग बोलते रहते हैं भाई हाइस्ट चाहिए बट महंगा इतना होता है। एंड द डिटेलिंग यार, लुक एट द डिटेलिंग हियर, द नाइकी थिंग यार, इट्स टू गुड मैन, एंड द फुट टू एंड एवरीथिंग, लुक एट द स्टिचिंग एंड एवरीथिंग एंड द कलर वे ब्रो, टू गुड यार, डोप कलर। एंड द थिंग आई विल टेल यू अबाउट दिस शू, ज्यादा जूतों पे ऐसा नाइकी एम्ब्रॉयडर्ड नहीं रहता है। एग्जैक्टली, यूजुअली सिर्फ जॉर्डन ये रहता है, कुछ भी नहीं रहता, सब प्लेन रहता है। बट दिस शू, एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस वॉज द फर्स्ट MRP डब That I got on Nike SNKRS day. Okay. ये क्या रहता है, 7:30 बजे रोज Nike पे आ जाते हैं एंड यू नो sold out हो जाते हैं। I have friends who bought for these. Like लोग लाखों एंट्री डालते हैं लकी ड्रॉ में और नाइकी का कैसा रहता है, 10 मिनट में बता देते मिला नहीं मिला, एंड आई हैड लकीली गॉट देम, एंड आई वाज लाइक द स्नीकर गॉड्स वुड बी अपसेट इफ आई डोंट कीप देम, सो आई जस्ट केप्ट देम। नाइस नाइस, दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट इज दिस? सो दीज आर द हैलोवीन डंक क्लोज, ओके, स्पेशली ड्रॉप्ड ऑन द हैलोवीन, एंड दिस शू इज नॉट लाइक अ नॉर्मल डंक क्लो और एनी जॉर्डन, ओके, ये ग्लो होता है व्हेन यू गिव यूवी लाइट और सनलाइट, ओके, और ये डार्कनेस में पूरा ग्लो होता है, द आउटसोल ऑफ द पेयर, द आउटसोल ऑफ द पेयर आल्सो, द आउटसोल ग्लोज लाइक हेल, लाइक पूरा ग्रीन हो जाता है, एंड द शू इज टोटली एम्ब्रॉयडर्ड विद यू नो ऑल दोस स्टिचिंग वगैरह नहीं किया गया इधर, क्योंकि वो ग्लो नहीं होगा वरना, करेक्ट करेक्ट, ऑल द डिटेल्स ऑन द पेयर, ओके, is can you show how does it glow? Yeah, it I can just show it quickly, you know, using a UV light. Oh nice. Like I have a UV light, and usually this UV light helps us a lot in testing a pair ki bhai legit hai ki nahi hai pair. Acha. Kyunki isme stitching dikh jata hai aur jo unnecessary stamps hai jo Nike nahi lagati apne pairs pe वो दिख जाते हैं, मतलब कौन से दूसरे कौन से स्टैम्प्स होते हैं, लाइक यू नो चाइनीज स्टैम्प्स हैं, जो अपने नॉर्मल रहते हैं, ओके, सो यू कैन टेल इट विद दिस लाइट्स, ओके, सो इफ देयर वुड हैव बीन डार्कनेस ओवर हियर, जब पूरा ग्लो है, या राइट, सो ये पूरा दिख के आता है, शो मी, यप, लाइक इफ यू प्रेस इट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो ऐसा पूरा जूता ग्लो होता है, जस्ट किसी क्लब नाइट पर सोचो अगर ये आपके पैरों पे होगा, डोप मैन, लाइक एवरीवन वुड जस्ट बी स्टेयरिंग ऑन देम. So this is a pair of vintage green women's low. Okay. These are rumored to be only 25,000 in the entire world. In the world. Yep. But no official documents from the Nike for this. And the glow on this pair. Wow. So all these pairs are here for reselling purpose. ये सब मेरे personals नहीं है, ये सब resell के लिए. But look at the glow. मतलब वो जब he opened the box and I just saw it and I'm like, what are these? Kazan Kans are Yeezy 350. These are my personal favorite for sure. For sure. Everyone loves this. Oh my god, this is so shit. Very pretty pair. It's so pretty. It's so new. It is shining like, I don't know. They just shine. Have a look, yaar. Wow, man. Wow. These are the Yeezy 350 V2 carbon. Carbon. बहुत प्यारा पैर है. बहुत प्यारा है. Black है, ऊपर से हर चीज पे जाएगा. हाँ, अभी it came out recently, I guess. Yeah, अभी अपना 2 महीने हो गए शायद से. 2 महीने हो गए. Yeah. Beautiful place. Yeah. Place beautiful. Place. And then comes a different box, collaboration box है Union LA company का. Okay. And this is worth around 40,000 to 45,000 rupees. The pair is totally a different design. I'm not faking these reactions, guys. He hasn't seen any of them. Like really good. This is because these are so different. It's not like an ordinary normal dunk. You walk in any store and you'll get it. No, it's not like that, man. Just look at the design. And the speciality about this is that these are the passport collaboration. Like okay. Passport name diya gaya. And iske sirf 3 colorways hai. ये पर्पल और पिस्टाशियो, बट आई डोंट नो, मुझे तो ये देखकर ब्लू बहुत ही है, एंड लुक एट द सोल यार, एंड दिस हैज अ डिफरेंट पेपर, लाइक इसका पेपर तक इन्होंने डिफरेंट रखा है, सो जो पूरा पासपोर्ट का इन्होंने ये दे दिया, पूरा पासपोर्ट का दिया, राइट, दैट्स द बटर पेपर. आई हैड गॉट देम अराउंड 26 एंड आई हैव अराउंड ऑफर्स अराउंड 33-34, और ये वैसे ही होते एकदम स्केयर्स आते कोलैबोरेशन जूते, सो द पेयर इज फाइनली हियर. I myself was damn crazy to get this pair. This is a pair of Jordan 1 Low Travis Scott in collaboration with Nike and Fragment. Like the outer thing that you get is in it's itself. It's probably unboxing. Right. ये लग रहा है. Unbox कर रहे. Unbox कर रहे. Right. Actually. And all the three companies उसपे है. उसपे. Correct. And the pair isn't किसी ने नहीं देखा अभी तक. So Travis Scott only I have seen. Travis Scott and Fragment and Nike. And Nike. Right. ये तीनों companies का इसमें collaboration आया है. And
I guess it's time to open. Open the Brahmastra. Anxiety is up to wow. And oh wow. The pair is wow, here. Wow. Just look at this beauty. Ye yaar. I just want to, you know, at a home जहाँ पर एकदम एक special जगह जहाँ कुछ रखना हो, I'll keep this forever and not forever, wear it. Never man. Wearing this them. This is too good. That, and this is so, अरे यार, look at the stitching, the detail. Guys, look at this. Out of words. Just look at the stitching, the detailing over here. The detailing, man. The soul. And wow. Travis is known for the reverse logo that the reverse we have. Logo. The normal reverse ordinary logo. अपना सीधा नहीं है इसका. Yeah. ये उल्टा होता है. And the cactus. The tongue, they have the cactus thing right. Put written over here. That's why it's hyped so much. And you know, it's worth the hype. It's I'll tell you, this pair is worth only 13,500 rupees MRP is joote ki. Achha. This is just 13,500 rupees, jo Nike laati hai, and around 55,000 pairs bane iske. Bane. Aur ye Nike ne bataya 55,000 hai. Okay. And these are resold around 1,80,000 to 2,00,000 rupees. How much did you get it for? That's something that has to be kept a little low key. Nice. Ab inko sone dete hain. Bahut bicharon ko expose kar diya. The collection is huge. And I'm actually very surprised. I thought ki honge yaar 10-15 honge. Zyada itne nahi honge. This is to massive. Main bol raha tha na this room is like a store. Not a normal store. मतलब कोई जो sneaker head है उसमें जो जन्नत है. जन्नत है. यहाँ पर वो सो जाए तो बस नींद आ जाए मेरा. Nice. I really loved the collection and I really loved. Thank you, man. And the knowledge which you have on the shoes, I really really respected, man. I mean ye, this is people right. Don't take it seriously. People लगता है जूते ही तो हैं. दो मतलब तो जूते ही. Right. But it's not like that. And I've heard as well that sneaker market is worth $6 billion. $6 billion. And these will just keep growing. तो अभी देख लो आपको किस में invest करना है भाई. Stock लेके रखना जिसमें risk है नीचे जाने का. Exactly. And parents who are thinking कि यार जूते नहीं. This guy just passed 10th standard and now he's earning with the shoes. So you can imagine. But I really really loved the conversation, bro. Thank you so much. Sure. Thank you so much for meeting us and then showing the collection. Thank my you. My pleasure. Thank you.